العالمين ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خضائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله तैरवें पारे की इब्तदाई आयत आपके सामने तिलावत की गई हैं और आज तैरवें पारे के मजामीन का खुलासा और निचोड़ पेश किया जाएगा सूरह यूसुफ के मजामीन चल रहे थे और बारहवें पारे के आख़िर में सूरह यूसुफ की बावनवीं आयत आपके सामने आई थी और आज सूरह यूसुफ की आयत मुबारक का नंबर तिरपन से तरहवें पारे का आगाज़ हो रहा है बात वो चल रही थी और हज़रत यूसुफ यूसफ्लम के वाक़े का वो हिस्सा चल रहा था कि हजरत यूसुफ़ ूसुफ्लाम क़ैद में हैं और क़ैद में दो क़ैदी साथियों ने कुछ ख्वाब देखा और वो ख्वाब देखने के बाद कुछ परेशान हुए कि न मालूम इस ख्वाब की ताबीर क्या है वो चुनाचे वह हज़रतूसफ़ल की ख़िदमत में हाज़िर हुए और पूछा कि हम ख्वाब की एक ताबीर पूछने वाले हैं और पूछना चाहते हैं हज़रत यूसुफ़ ने उनको साथ ही साथ दीन की दावत भी दी अल्लाह की वहदानियत वहदानीयतलूत का पैगाम भी दिया और दोनों को ख्वाब की बीर भी बतलाई वो ख्वाब की जो ताबीर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दोनों के हवाले से बतलाई थी वो बिल्कुल उसी तरह पूरी हो गई एक आदमी जो था उनमें से आज़ाद हो गया और दोबारा अपने सरकारी मनसब के ऊपर फ़ायज़ हो गया और एक को सज़ाए मौत हो गई यही ताबीर अलैहिस्सलाम ने दी थी चुनाच हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़ैद में ही रहे और ये दोनों जो थे ये इस तरह से चले गए कि एक को सज़ाए मौत हो गई और एक रिहा हो गया और बरी हो गया और अपने सरकारी मनसब के ऊपर दोबारा जो है बहाल हो गया हजरत यूसुफ आलाम अभी कैद में हैं और बादशाह मिस्र ने और आज़ीज़ मिस्र ने ख़ देखा उस ख़्वाब की ताबीर के बारे में अपने दरबार के लोगों से मशवरा किया कि मैंने एक ख्वाब देखा है मैं उस ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में परेशान हूँ तो दरबारी जो लोग थे और उन्होंने उनकी उन्हों समझ में कोई ख़ास बात नहीं आई तो उन्होंने कहा किसलम ये ऐसे ही कोई बद के जैसे ख्वाब होते हैं या कोई ऐसे ख्याल होते हैं खाम ख्याल कि जिनकी कोई ख़ास बुनियाद वसास नहीं होती इसी तरह का कोई ख्वाब मालूम हो रहा है तो अचानक ये बात उस शख़्स की याद में आई और जहन में आई कि जो बहाल हुआ था और जिसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ख़्वाब की साब सुनाया था और उसकी ताबीर हासिल की थी उसको याद आया कि क़ैद में एक बुज़ुर्ग साथी थे और उस तरह से उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी थी उसने अजीज़ मिस्र से ज़िक्र किया कि क़ैद में इस तरह से एक शख्स हैं एक बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछा जाए चुनाच हज़रतूसफ़ से रब्ता किया गया ख़ाने में तो हज़रत यूसुफ़ यूसुफ़ा ने ख़्वाब की ताबीर बयान करने से पहले ये कहा कि भई ज़रा पहले तुम ये पूछो अजीज़ मिस्र से कि मुझे कैद में आखिर किस लिए डाला हुआ है वो औरतें कौन थीं उन औरतों का मामला क्या था कि जिन्होंने मुझे देखकर अपने हाथ काट लिए थे अपनी उंगलियां काट ली थीं ज़रा उससे अजीज़ मश्र से इस वाकई की पूरी तफसी पूछो चुनाच यह पैग़ाम जब अजीज़ मिस्र को पहुँचा तो अजीज़ मिस्र ने फ़ौन अपनी अहलिया को तलब किया और उससे सारा वाक़ दरियाफ़्त किया तो उसने ये बात कही कि नहीं मैंने कोई बुराई हज़रत यूसुफ़ यूसुफ़ल में नहीं देखी थी हज़रत चुनाँ हज़रतूसफ्लाम को पैगाम दिया गया इसी यही बात चल रही थी और इस बात का हवाला देते हुए हज़रत यूसुफ़ यूसुफ् ने यह बात कही थी कि देखो बात ये है इन आलम लम ला यह है कि जालकल आलमीलम अखन बिलगैई बहदी कई दल्खा इन कि देखो अल्लाह ताला कभी खयानत करने वालों को हिदायत नहीं दिया करता मैं भी कि इस तरह की बात यूँ नहीं कर रहा कि मैंने खयानत की हो और खयानत करने के बाद मैं अपने आप को बरी करवाना चाहता हूँ वमा उबर उन्नफसी मैं अपने अपने नफ्स को जो है बरी नहीं समझता हो सकता है मेरी कोई गलती हो हो सकता है मेरा कोई कसूर हो इ नफ्समतम बसू इसलिए कि इंसानी नफ्स तो ये तो बुराई के ऊपर बहुत ही ज़्यादा आमादा करने वाला और बुराई की तरफ रागिब करने वाला है इलामर रब्बी माँ सिवाय उस नफ्स के कि जिस पर मेरे परवरदिगार ने रहम कर दिया हो यह हजरत यूसुफ़लम ने बात कही और इसी बात से आज के पारे का यानी तेरहवें पारे का आगाज़ हो रहा है और इसमें नफ्स इंसानी की एक कैफियत को बयान किया जा रहा है नफ्स इंसानी की इस कैफियत को कोमाए अखलाकियात और सूफिया के यहाँ नफ़ अमारा कहा जाता है यह आप यूँ समझ लीजिए कि नफ़्स की बिल्कुल इब्तदाई कैफियत है और असल कैफियत है कि नफ्स इंसान का बुराई के ऊपर खूब आमादा करने वाला और बुराई की तरगीब देने वाला है इसी को नफ्स अमारा कहा जाता है फिर इस नफ्स की जब तरबियत शुरू होती है तो यह नफ़्स नफ्स लवामा बन जाता है नफ्स लवामा का जिक्र सूरत्याम में हम ताला पढ़ेंगे फिर यह नफ्स जब तरबियत के पूरे मराहल से गुजरता है और तरबियत की तकमील होती है तो यह नफ्स मतम बन जाता है जिसको हम इनशा उदी तीसरे पारे में पढ़ेंगे कि या ये नफ्सुल हम नफ्समतमी रब्बी के राजियत मरदिया अब यहाँ हजरत सलाम जब यह बात कह रहे हैं तो गोया इसके माना यह हुए कि इंसानी की इस कैफियत का इल्म नफ़्स इंसानी की इस कैफियत के बारे में मार्फत यह बड़ी पुरानी चली आ रही है और यह एक, एक पुरानी कहावत समझ लीजिए या पुरानी पुराना मुहावरा है कि इंसानी नफ्स इंसान को बुराई की तरफ ले जाने वाला और बुराई के ऊपर खूब आमादा करने वाला है इलामर रब्बी हाँ जिस पर परवरदिगार आलम रहम फरमा दे और वो अपने नफ्स की तरबियत कर ले तो वो नफ्स जो है वो अमारा से लवामा और लवामा से मतम बन जाता है इन रब्बी रहीम इसलिए कि मेरा परवरदिगार तो बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है चुनाचे इस पर हज़रत यूसुफ़ हज़रतूसुफ्म को आज़ादी का परवाना मिल गया और हजरत यूसुफ़ यूसफ्लम को अज़ीज़ मिस्र के सामने पेश किया गया फ़लमा कल क़ाल इन नकल यौम लदैना ना मकिनमीन जब हजरत यूसुफ से अजीज़ मिस्र की गुफगू हुई और बातचीत हुई यहाँ रिवायात के अंदर बात आती है कि ख़्वाब की भी बात हुई ख़्वाब के अलावा भी कुछ मुख्तलिफ बातें हुई सल्तनत ममलिकत के निज़ाम के मुतालिक और ख़ास तौर पर उसके माशी और इकतसदी नज़ाम के मुतालिक बातचीत हुई बाद रवायात में ये भी आता है कि हज़रत यूसुफा सलाम बहुत सारी ज़बानें जानते थे जब उन्होंने अपनी उन जबानों की महारत का जिक्र किया तो आजीज़ मश्र बहुत मुतासर हुआ और उसने कहा कि इन न लदईना मकिन उमीन हम आपको कोई एजाज़ और कोई मकाम व मनसब देते हैं हमें आप बहुत काबिल लायक और अमानत दार शख्स मालूम हो रहे हैं चुनाचे इस बात को बयान करते हुए हक इसकी तफसीलात बयान करते से गुरेज करते हैं और ये बात आ जाती है कि वह बादशाह का ख़्वाब जो था वो किस तरीके से सबब बना हज़रत यूसुलेम की रिहाई का और न सिर्फ़ रिहाई का बल्कि उनको इज अन् ख़जान अर्ज खजा अर्ज़ का वज़ी वज़ी ख़जाना और अजीज़ मिस्र कादा बना दिया दे दिया जाता है चुनाचे हज़रत यूसुफ्लम ने जो ताबीर दी थी, थी वो ताबीर ये दी थी कि सात साल जो है वो पैदावार बहुत अच्छी होगी और सात साल जो है वो कहत साली के और ख़ुश साली के होंगे और उन सात सालों में जब पैदावार अच्छी होगी तो आप सारा गल्ला जो है वो खाएंगे नहीं सारा गल्ला जो है वो फरोख्त नहीं करेंगे बल्कि कुछ गल्ला दानों में दाने निकालेंगे उनको खा लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ अभी खोशों में ही रहने देंगे फिर वो जब सात साल कहद के आएंगे तो वो खोशे आपके उन सात सालों के अंदर काम आएंगे आप ये कीजिएगा कि ऐलान करवा दीजिएगा कि भाई ग़ा की और खुराक की किल्लत है हमारे पास खुराक का ज़ख़ीरा मौजूद है सस्ते दामों हम लोगों को ख़ुराक फ़राहम करेंगे यानी जैसे हुकूमत सब्सिडी देती है किसी चीज़ के ऊपर तो गोया हुकूमत की तरफ़ से एक सब्सिडी होगी और उस सब्सिडाइज रेट के ऊपर लोगों को बसानी वो खुराक मुहैया हो जाएगी चुनाच यही हुआ सात साल वो पैदावार बहुत अच्छी रही बहुत उमदा पैदावार रही और उन पैदावार में से कुछ दाने जो थे वो निकाल लिए गए और खा लिए गए और कुछ को खोशों में ही सात साल तक मुसलसल स्टॉक किया जाता रहा जब सात साल के बाद खुश्क साली हुई तो अब उस उन खोशों में से दाने निकाल कर वह इसी तरह से ऐलान कर दिया गया और लोगों को सस्ते दामों जो है वो फराम किए गए यहाँ ये बात भी जाननी ज़रूरी है कि उस ज़माने में जो कारोबार होता था या खरीदो फरोख्त तो और लेन देन होता था वो नक़द और कैश के ऊपर नहीं होता था बल्कि सामान के बदले सामान होता था कि कोई शख्स जो है वो कुछ सामान ले आया कोई धात ले आया कोई पीतल ले आया कोई कुछ ले आया कोई कुछ ले आया उस सामान के बदले उसको गल्ला गल्ला मिल गया उसको गंदुम मिल गया ख़ुराक या जरात की चीज़ें मिल गई इस तरह से कारोबार जो है बाटर सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो इस तरह से होता था चुनाच इस जमीन में जब कहत साली हुई और सारे मिस्र से और मिस्र के मुख़लिफ़ इलाक़ों हती के फ़लस्तिन से भी लोग आना शुरू हो गए और आकर इस तरह से ख़ुराक लेना शुरू हो गए तो हजरत यूसफे बरदरान भी आए वजातफ़ल फ़ारफ़ुम वहम लहुम् किर अब जब बरदरान यूसुफ़ आए तो हज़रत यूसफ्लाम तो उन्हें पहचान गए इसलिए कि उनमें कोई सूरत शक्ल में को बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई थी लेकिन हज़रत यूसुफ़ सलाम को जिस वक्त उनके भाइयों ने कुएँ में डाला था हज़रत यूसुफ़ की उम्र उस वक्त सात साल थी और एक बड़ा अरसा गुजर चुका था ज़ाहिर है सात साल के बाद हज़रत यूसुफ़ की जवानी आई और अब बुढ़ापे के अंदर कदम रख रहे थे हज़रत यूसुफ़ बहुत सारी तब्दीलियाँ शक्ल सूरत में आ गई थी लिहाजा वो भाई तो नहीं पहचाने हज़रत यूसुफ को फिर जाहिर है कि उनके लिए ये बात बिल्कुल गैर मुतव थी उन्हें इस बात की हरगिज भी गी, हरगज़ भी तवक्को नहीं थी कि हमारा वो भाई जिसको हमने कुएं में डाल दिया था और इस प्रोग्राम से या इस ख्याल से डाला था कि चंद दिन भूखा रहने के बाद वो उस कुएं में ही मर जाएगा हम तो इस ख्याल में थे कि वो मर गया होगा जाहिर है उनके तस्वूर में भी ये बात नहीं थी कि वो ज़िंदा होगा और न सिर्फ ये कि जिंदा होगा बल्कि शाही महल के अंदर मौजूद होगा और वज़ी ख़जाना की हैसियत से और इतने बड़े मनसब के ऊपर फ़ायद होगा ये तो उनके तस्वर में भी नहीं था लिहाजा वह हज़रत यूसफ़्लम को नहीं पहुँच पहचाने और अपना गला जो था वो लेकर चले गए पलम्मा जहाज़म बज़म क़ालतूनी बि अखिल्कुमिन अबीकुमल तुफिल्कैमजलिन खैर वह जब गला लेकर गए तो ये दस भाई आए थे जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था आपको याद होगा जब हमने शूरा यूसुफ़ का आगाज़ किया था कि ये कुल बारह भाई थे हज़रत यूसुफ और बिन यामीन ये दोनों सगे भाई थे और बाकी दस भाई जो थे वो दूसरी माँ से थे तो यहाँ जो हैत यूसुफ़ के भाई आए थे वो दस भाई आए थे बिन यामीन नहीं आए थे और जाहिर है कि इसका मतलब है कि बारहवें खुद हज़रत यूसुफ थे तो वह दस भाई आए तो दस भाइयों का गला उन्हें मिल गया और वह गला लेकर जब पहुँचे अपने वाल साहब के पास तो वालद साहब से कहा कि देखें बात ये है कि हमें दस आदमियों का गला मिला है अगर बिन यामीन भी हमारे साथ होते तो हमें ग्यारह आदमियों का गला मिलता यानी दस लोग गए थे तो दस की खुराक मिल गई अगर ग्यारह जाते तो ग्यारह की खुराक मिल जाती तो इसलिए और फिर मजीद ये कि हमारे साथ तो बड़ी इनायत की उस बादशाह ने कि जो बर्तन हम ले गए थे कि इन बर्तनों के बदले हमें गला मिल जाएगा वो बर्तन भी उन्होंने वापस कर दिए हमारे तो अगर हम अगली दफ़ा जब जाएँ और अपने भाई को भी साथ लेकर जाएं तो हमें गल्ला भी ज़्यादा मिलेगा और हमें ख़ुराक का भी बंदोबस्त ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ज़ाहिर है कि वालद साहब जो थे वो थोड़े से इस मामले में मुतमिल थे हज़रत यूसुफ़ यूसुफ् का तजर्बा उन्हें हो चुका था फ़िलम तातूनी बिही फ़ला कई लड़कों हिन्दी वाला तक्रबून भाइयों ने कहा कि देखें वालिद साहब उन्होंने ये कहा है अज़ीज़ मिस्र ने कि अगर तुम अपने भाइयों को लेकर ना आए तो तुम्हारा गल्ला भी तुम्हें नहीं मिलेगा इसलिए इन लोगों ने कहा था कि हमारा एक और भाई है जो घर है वाल साहब की खिदमत के लिए तो अगर तुम अगली दफ़ा उसे लेकर ना आए तो ये समझा जाएगा कि तुमने झूठ बोला था और झूठ बोलने वाले को हम गल्ला नहीं देते लिहाजा अगर अगली दफ़ा तुम उसे लेकर ना आए तो हम ये समझेंगे कि तुमने पिछली दफ़ा ग्यारहवें भाई का झूठ बोला था लिहाजा तुम्हें भी नहीं मिलेगा तो इसलिए बात यह है कि अब अगर हमें गल्ला एक का भी नहीं मिलेगा ये तो बड़ा मसला बन जाएगा इसलिए फ़ारस माना ख़ाना नकवन्हा हाफ़ुन अगली दफ़ा जब हम जाएँ तो हमारे साथ हमारे भाई को भी भेजिएगा तो हम ज़रा बड़ा ज़्यादा वजन लेकर आएंगे आएँगे ज़्यादा ख़ुराक लेकर आएंगे आएँगे और हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इसको लेकर जाएंगे और कोई ऐसी चीज़ जो है ना नहीं करेंगे

तो ला तद ख़ुल बम वाहिदम वद़लू मिन अब वर ने कहा कि देखो सारे भाई तुम ग्यारह के ग्यारह भाई एक ही दरवाज़े से शहर में दाखिल ना होना नज़र बद से अपने आप को महफूज रखना अलग अलग दरवाज़ों से जाना ताकि ये ना हो ये भाई कि भाई ये इतने सारे माशाल्लाह भाई हैं किसकी औलाद है नज़र बद ना हो जाए अगरचे मुझे अल्लाह पर भरोसा है व आल हिफली अल्लाह पर भरोसा करने वाले तो भरोसा तो अल्लाह ही पर करते हैं यहाँ तवक्ल की एक बड़ी शान समझ में आई हज़रत यु सलाम की इस तालीम से कि देखिए किसी भी बात से किसी भी ग़लत बात से किसी भी ग़लत नतीजे से निमटने के लिए या उससे बचने के लिए या हफ्जान सेहत को अपनाने के लिए उसूल को इंसान अपने हिफाजती इकदाम अपने तौर पर करे उन हफाजती इकदाम का करना ये तवक्ल के ख़िलाफ़ नहीं है लेकिन उसका भरोसा हिफाजती इकदाम पर ना हो बल्कि भरोसा उसे अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुदरत पर हो यहाँ हज़रत याकूब आसमाम भी यही बात कह रहे हैं कि देखो अपना जो तरीक़ा है उसको अपनी जो हिफाजती जो इकदाम की बात है वो ज़रूर कर लेना कि एक दरवाज़े से दाखिल ना होना लेकिन भरोसा मेरा फिर भी अल्लाह ही पर है इस बात पर नहीं है कि मैंने ये तदबीर सिखाई है लिहाजा तुम बचकर आ जाओगे चुनाचे दूसरी मरतबा अब ये भाई जो थे वो दाखिल हुए हज़रत यूसुफ् के पास पहुँचे तो हज़रत यूसुफ् ने अपने भाई बिन यामीन को चुपके से बता दिया कि मैं यूसुफ़ हूँ दूसरे भाइयों को नहीं बताया और सूरत हाल ये हुई कि बिन यामीन को वो अपने पास रोकना चाहते थे लेकिन ज़ाहिर है भाइयों से कहा कि भाई बिन यामीन को छोड़ जाओ तो उन्होंने इससे इतफ़ाक़ नहीं किया और फिर वही बात कही कि देखो बात यह है कि हमारा तो हमारे वालद साहब पहले ही हमारे ऊपर बदमादी कर रहे थे अब अगर हम इसे छोड़ गए चुनाच हज़रतूसुफ्लाम ने एक तदबीर की और वह तदबीर ये की कि एक सरकारी प्याला जो था वो बिन यामीन के सामान में रख दिया और वह जब जाने लगे तो उन्होंने कहा भाई कुछ चोरी हो गई है चोरी हो गई है सबका सामान चेक करो जिसके सामान में से ये चोरीशुदा माल निकले उसको रख लो यहीं चुनाच बिन यामीन के सामान में से वो प्याला निकल आया उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि आप नहीं जा सकते अब इन भाइयों को बड़ी फिक्र हुई फिर वाले साहब को क्या जवाब देंगे वाले साहब पता नहीं हमारी इस बात का यकीन करेंगे या नहीं करेंगे तो एक भाई जो था उसने तो कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं बाकी भाइयों ने कहा ऐसा करें आप हम में से किसी को रख लें इसको छोड़ दें उन्होंने तो कहा नहीं जी जिसने जिसके सामान में से चोरी का सामान निकला है चोरी की चीज़ निकली है हम तो उसी को रखेंगे हम किसी और को कैसे सजा दे दें यह हमारा कानून है हमारा कानून अदल के ऊपर मबनी है अदल का तकाज़ा ये होता है कि जिसने जुर्म किया है उसी को सज़ा मिले ये तो नहीं है कि जिसने जुर्म नहीं किया उसे सज़ा दी जाए और जिसने जुर्म किया उसे छोड़ दिया जाए हमारा कानून इस बात का तकाज़ा नहीं करता चुनाच बिन यामीन को रख लिया गया और फिर वापस पहुँचे ये भाई तो हज़रत यूसुफ़ल के वालद फिर उसी गिरफ़्तार में हजन में और ग़म में और जब बिन यामी नहीं आए तो उनका यहम और ताज़ा हो गया लेकिन फिर ये भाई तीसरी मरतबा दोबारा आए और जब तीसरी मरतबा दोबारा आए तो उस वक्त हजरत यूसुफ ने इनको बता दिया कि मैं यूसुफ़ हूँ और उसके बाद उन्होंने एक कमीज़ दी अपना कुर्ता दिया और रिवायात के अंदर ये बात आती है कि वो कुर्ता वही था कि जब इन लोगों ने भाइयों ने कुएं में डाला था हज़रत यूसुफ् को तो उनका कुर्ता उतार लिया था और वही कुर्ता ख़ून में भिगो कर वाल साहब को दिखाया था कि देखें जी ये भेड़िया खा गया ये खून के चंद धब्बे हैं इस कुर्ते के ऊपर हम सबूत के तौर पर ले आए हैं तो हज़रत जबरील अमीन जन्नत से कुर्ता एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए लाए थे वही कुर्ता यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दिया और भाइयों से ये कहा कि वालिद साहब के चेहरे पर यह कुर्ता डालना उनकी बीनाई वापस आ जाएगी चुना चाहिए काफ़िला अब दोबारा वापस चल पड़ा फ़लस्तिन की तरफ और जब अपने शहर के दरवाज़े पर पहुँचा तो हजरत यूसफ्लम के वालिद बाहर आए हुए थे और कह लें अज रु यूसफ़ा मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है क्या यूसफ तुम्हारे साथ आ गया है क्या यूसुफ़ तुम्हारे साथ आ गया है ये एक बेचैनी यूसुफ के भाइयों ने कहा कि आप वही पुरानी बातों के अंदर पड़े हुए हैं ऐसी बात नहीं है ये यूसुफ का कुर्ता है चुनाते यूसुफ का कुर्ता हज़रत याकूब के चेहरे पर डाला गया तो उनकी बीनाई वापस आ गई और फिर ये सब लोग वापस गए मिस्र और वहाँ मिस्र जाकर फिर वही बात पूरी हुई कि ग्यारह भाइयों ने और हजरत यूसुफ के वालिदैन ने हजरत यूसुफ यूसुफ्म के सामने झुककर अदबन एहतराम उनके सामने एक जैसे सजदा किया हज़रत यूसफ्लम ने अपने वाले से कहा कि देखें यह है वो ताबीर जो मैंने ख्वाब देखा था बचपन में जब मैं सात साल का था उस वक्त जो मैंने ख्वाब देखा था आज वो कितने ही बरसों के बाद वो आज पूरा हो गया चुनाचे अब भाई शर्मिंदा खड़े हैं कि जिन्होंने कुएँ में डाला था ज़ाहिर है कि उनको बड़ी फ़िक्र थी कि पता नहीं वाले साहब क्या सज़ा देंगे पता नहीं ख़ुद यूसुफ क्या सज़ा देंगे लेकिन हज़रत यूसफ ने उनको माफ़ कर दिया ये पूरा वाक़ बयान किया गया और इस पूरे वाक़े के अंदर जहाँ उस सवाल का जवाब था कि बनी इसराइल के लोग फ़लस्तीन से मिस्र कैसे मुंतकिल हुए वहाँ हज़रत अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से जो इबरतें निकल रही हैं उन उनबरतों को भी बयान किया गया और वह इबरतें क्या थीं कि देखो ये कितनी बड़ी बात है ये अल्लाह की कितनी बड़ी ताकत और कुदरत का करिश्मा है कि एक छोटा सा भाई है उस भाई के साथ हसद में मुबतला हो जाते हैं उसके बड़े भाई और फिर उसे कुएं में डाल देते हैं और वो भाई किस तरह से कुएं से निकलता है मिस्र के बाज़ारों में ग़ुलाम की हैसियत से एक लॉन्डे की हैसियत से बिकता रहता है और बिकते बिकते अज़ीज़ मिस्र के यहाँ भी पहुँच जाता है और वहाँ उनका ग़ुलाम बनकर उनका खादिम बनकर वहाँ चला जाता है और फिर वहाँ जो हालात तो व वाक़ात होते हैं और उन हालात और वाकयात के नतीजे में एक गलत इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है और क़ैद बंद की कैफियत के अंदर उन्हें जाना पड़ता है और इस तरह से जाना पड़ता है कि बरस हा बरस वो क़ैद में गुजार लेते हैं और उन्हें क़ैद करने वाले भूल जाते हैं कि हमने उन्हें क़ैद किया हुआ है और किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है ये सूरत हाल है लेकिन अल्लाह तजरत यूसुफ को इस सूरत हाल से निकाला उन्हें उस क़ैद बंद से भी निकाला न सिर्फ ये कि उस कैद बंद से निकाला बल्कि जो एजाज और जो मनसब हज़रत यूसुफ़ यूसुफ् के मुकद्दर में अल्लाह ने लिखा हुआ था मिस्र की कयादत और सियादत का और मिस्र के खजानों की अपने भाइयों और फ़लस्तीन वालों के अंदर तकसीम करने का जो एक एजाज़ के उनका हाथ ऊपर रहे उनका हाथ मांगने वाला हाथ ना हो वह एजाज वो मकाम और वो मनसब अल्लाह ताली ने किस तरीके से दिया और किस तरह से हज़रत यूसुफ़ यूसुफ्व को कहाँ से उठाया और कहाँ लाकर और किस मकाम और मनसब पर फाइज़ किया और किस तरीक़े से वो सारे उसबाब बनते चले गए कि उन उनबाब के नतीजे में वो ख्वाब पूरा हुआ जो हजरत हैतूस आलाम ने बचपन में देखा था ये सारे अल्लाह की, की कुदरत के करिश्मे हैं आज नबी करीम सल वम की मक् में यही सूरत हाल है कि आज मक् के सारे लोग इन में नबी करीम रिश्तेदार भी शामिल हैं आपके अपने कबीले के लोग भी शामिल हैं वो लोग भी शामिल हैं और आपके ऊपर मजालिम और सख्तियों के बाज़ार खुले हुए हैं कौन सी सख्ती नहीं है जो आपके ऊपर न की जा रही हो हर तरह की सख्ती लेकिन एक दिन आया कि वही नबी करीम जिनके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे जिनके ऊपर हालत सजदा में नजास्तें रख दी जाती थीं जिनको कभी साहिर और जादूगर कहा जाता था जिनको कभी काहिन कहा जाता था जिनके मुतालिक कभी ये होता था कि भाई इनकी बात ना सुनना ये तो जादूगर हैं जिनके मुतालिक कभी ये पेशकश होती थी कि भाई आप बताएं दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत हम आपके कदमों में रख देंगे ये दीन से बाज़ आ जाएं आप ये सारी बातें थीं और वही रसूल सल्ला वन आठ हिजरी में फ़ात मक् बनकर मक्के में दाखिल हो रहे हैं तो सारे मक्के वाले इसी तरह नादिम और शर्मिंदा सर झुकाए आपके सामने खड़े हैं जिस तरह बरदरान यूसुफ़ खड़े थे हज़रत यूसुफ हज़रतूसफल ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हजरत यूसुफ़ यूसुफल ने अपने भाइयों की माफ़ी का ऐलान करते हुए इस्तेमाल किया था ला तसरीब अलैकुम अल तसरी वही लफ्ज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया ला तसरीब अलैकुम अल-यौम तसरीतल अब तुम्हारे ऊपर कोई दारोगीर नहीं है कोई अदना से भी गिरफ्त नहीं है के ला तसरीबा की जो लगवी तशरीए माहरीन ने, लगत ने की है उसके मुताबिक तसरीब का मतलब ये होता है कि अब इस बात का हम जिक्र भी नहीं करेंगे यानी मुआजा न करना तो बहुत दूर की बात है हम अब इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे आपस में एक दूसरे की गुफ्तु में भी ये बात नहीं आएगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था तो ला तसरीबा आल एक मोम हाँ फ़र्क यह है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को माफ़ किया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो बोग था जो कीना था जो अदावत थी जो दुश्मनी थी जो हसद था वो ज़ाती नोयत का था यानी हजरत यूसुफ आलाम से और कोई और कोई परखाश्त नहीं थी माँ सिवाय इसके वाल साहब हज़रत यूसुफ के, के ज़्यादा लाट करते हैं बन हमारे तो लिहाजा कोई ऐसी स्कीम होनी चाहिए कि ये यूसुफ बीच में से निकल जाए और वाल की तवज्जो हमारी तरफ होने लगे लेकिन नबी करीम सलील वम से कोई जाती पर ख़ास किसी को नहीं थी कोई जाती दुश्मनी किसी को नहीं थी कोई जाति हसद नहीं था सिर्फ नबी करीमली व्लम की दावत दीन थी जो उनके लिए दुश्मनी का बायस और सबब बनी हुई थी वगरना रसूल सल्लम को बड़ी बड़ी पेशकशें की गई कि अरब की जो जितनी दौलत आप कहें वो आपके कदमों में हम जेर करने के लिए तैयार हैं हम सारे कबाइल मिलकर आपको अपना कायद अपना लीडर और रहनुमा सरदार बनाने को तैयार है आप ये दावत दीन का जो काम आपने शुरू किया ये छोड़ दें इसका मतलब है कि रसूल सल्ला वल्लम से जो दुश्मनी थी वो दीन की वजह से थी हज़रत यूसुस से जो दुश्मनी थी वो जाती दुश्मनी थी लिहाजा ये बात हजरत यूसुफा और नबी करीम करीमल वल् के वाकयात में बड़ी मुश्तरक भी नज़र आती है और नबी करीम करीमल वल् की फ़ज़ीलत और मनकबत और आपका मकाम बुलंद भी समझ में आता है और ये बात भी समझ में आती है

पूरी दानिशमंदी के साथ बुलाता हूँ मैं पूरी अक्ल दानिश के साथ और पूरे ख़िरत के साथ बुलाता हूँ पूरे दलाइल के साथ बुलाता हूँ लॉजिकली बुलाता हूँ कोई ये नहीं है कि मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हें समझ में आए बात या ना आए मेरी बात मान लेना मैं पूरी लॉजिक के साथ बुला चुनाच हज़रत यूसुफा के इन वाक़ात के इबरत अंगेज़ नतज को बयान करते हुए इन इस सूर मुबारक का अख्तितमाम होता है सूरतरा्रद का आगाज़ होता है सूरत अराज भी मी मुबारका है इसमें तैतालीस आयात हैं और छः रुकू हैं हिजरत से कुछ पहले नाजिल हुई ये शुरह मुबारक और इसका जो बुनियादी मौजू है वो बुनियादी मौजू अकायद यानी तोहद रिसालत नबूत और बतौर ख़ास आखिरत का इस बात है आप यूँ समझ लीजिए कि ये जो अब हिस्सा चल रहा है इस हिस्से के अंदर कुरान करीम के निस से आगे तक मुख्तलिफ वाक़ात बयान हुए हैं और उन वाक़ात से अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, अपने खालकियत रुबूबियत, अल्लाह के नबी की नबूवत और रिसालत उसका मकाम और मर्तबा, उसके मुआजात और रोज़ आखिरत पर ईमान व यकीन इन चीज़ों को बड़ी बड़े तकरार के साथ बयान कर रहा है और इन वाकयात में तकरार इसी वजह से है कि ताकि तजीर और नसीहत आसानी से हो जाए बार बार जब आदमी एक ही बात को सुनता है बार बार जब एक ही वाक़े को सुनता है तो उसे उस वाक़े को सुनकर तज़कीर और नसीहत हासिल करने के अंदर सहूलत पैदा हो जाती है इसलिए बार बार इन वाक़यात को बयान किया जा रहा है चुनाच सूरत रात का आगाज़ होता है अलिफ लाम मीम रा तिल का आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ वलाकिन अक्सरन्नास ला युमिनून अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस्समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा तुम मस्तवा वो है कि जिसने आसमान को तुम्हारे ऊपर बुलंद कर दिया बग़ैर सुतून के आसमानों की और ज़मीन की तख्लीक का जिक्र इससे पहले भी आया उसमें जो बात सामने लाई गई थी वो ये कि सात दिनों के अंदर छः दिनों के अंदर अल्लाह तैदा किया आज जो आसमान की तख्लीक से मुतलिक एक नई चीज़ सामने आ रही है वो ये कि इतना बड़ा आसमान है जो पूरी जमीन के ऊपर इस तरह गोल छतरी की मानद झुका हुआ है लेकिन इसके अंदर कोई सुतून नहीं है आप एक छत बनाते हैं एक शामियाना लगाते हैं तो आप उसमें लाजमी बात है छोटा सा खेमा भी बनाते हैं तो उस छोटे से खेमे के अंदर भी उसे उसकी छत को खड़ा करने उसके शेड को बनाने के लिए लाजमन सुतून बनाने पड़ते हैं लेकिन अल्लाह ये पूरा आसमान ऐसे जमीन के ऊपर ढांप दिया है कि कोई छत नहीं कोई सुतून नहीं है दरमियान में अल्लाह बहद तरउ नहा और तुम्हें नजर भी आ रहा है कि यह आसमान है लेकिन इस आसमान के और जमीन के दरमियान कोई सतून नहीं है तुम मस्तवा और उसके बाद अल्लाह तला अरश पर मुस्तवी हो गया मुस्तवी होने के मान मैं अर्ज कर चुका हूँ किसी मौके पर के मुस्तवी होने का मतलब होता है बराबर होना बैठ जाना उसके ऊपर मुतमक्किन हो जाना अल्लाह तरश पर मुस्तवी हो गया इसका वजूद है और इस वजूद पर हमारा ईमान यक़ीन है लेकिन हमें इसकी कैफियत मालूम नहीं है हम इस कैफियत से बेखबर हैं और इस कैफियत को हमें समझना की ज़रूरत भी नहीं है हमें इस बारे में तहकी भी नहीं करनी चाहिए बस सवाल बदतमाय मतकलमिन का ये मुतफ़ा फ़ैसला है इस बारे में ज़्यादा तहकीक करना और सवाल जवाब करना ये बिदत है इसलिए अल्लाह ताला अरश पर मतमक्न हो गया शम्स शमसवल कमर और अल्लाह ताला ने चाँद और सूरज को मुशर कर दिया मुशर करने का मतलब क्या होता है मुशक्र करने का मतलब ये होता है कि उसे पैदा किया और पैदा करने के साथ साथ उसे एक ख़ास निज़ाम के साथ मुनसलिक कर दिया एक ख़ास निज़ाम के अंदर उसे बांध दिया वो उस निज़ाम से इहराफ करने उस निज़ाम से एक इंच भी इधर उधर एक सेंटीमीटर भी इधर उधर होने पर मजबूर है यानी हो ही नहीं सकता ये मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने सूरज के लिए जो निज़ाम पैदा किया है जिस निज़ाम के ऊपर उसकी तख्लीक हुई है वो उस निज़ाम से एक सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाए जो निज़ाम अल्लाह ने चांद के लिए मुकर कर दिया वो चांद उस निज़ाम से एक सेंटीमीटर इधर उधर हो जाए ये मुमकिन नहीं है ये न सूरज में ये सलाहियत है न चांद में ये सलाहियत है हालांकि सूरज ताकत और तोानाई के अतबार से बहुत बड़ी मखलूक है और चांद खूबसूरती और हसन के एतबार से बहुत बड़ी मखलूक है चांद का हसन बेनज़ीर और बेमिस है और सूरज की जो तवानाई और ताकत है वो बेनज़ीर और बेमिसल है लेकिन ना सूरज अपनी ताकत और तवानाई के बावजूद और ना चांद अपने हसन व जमाल के बावजूद उस निज़ाम से एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं हो सकता जिस निज़ाम पर अल्लाह ने उसे पैदा किया है चाहे वो कुछ भी निज़ाम है चाहे वो निज़ाम ये है कि ज़मीन और बाकी सीयारे उसके गिरद गर्दिश कर रहे हैं या वो खुद गर्दिश कर रहा है या सब कुछ साकिन है और सूरज चल रहा है वो निज़ाम जो भी है ये साइंस का काम है कि वो दरियात करे लेकिन ये बात तय है कि जो भी निज़ाम अल्लाह ने उसके लिए बना दिया है वो इस निज़ाम से अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद एक लम्हे के लिए भी एक सेंटीमीटर के लिए भी इधर उधर नहीं हो सकता कुल्लु अजरीलीजल मुसम और ये तमाम चीज़ें एक ख़ास वक्त तक जारी रहेंगी जब तक अल्लाह को मंजूर है इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और फिर एक दिन आएगा अल्लाह का हुक्म होगा ये सूरज भी बिल्कुल बेनूर हो जाएगा ये चाँद भी बेनूर हो जाएगा सारे स्यारे भी उड़ जाएंगे आसमान जो है वो भी लपेट दिया जाएगा पहाड़ जो है वो सुरमा बन के उड़ जाएंगे ज़मीन को खुश कर दिया जाएगा समंदर ख़त्म हो जाएगा ये सारी ताकत अल्लाह के हाथ में है कैसे है कि देखो जहाँ अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बग़ैर सतून के पैदा किया जहाँ अल्लाह ने इतना ताकतवर सूरज एक निज़ाम पर मजबूर पैदा किया वहीं अल्लाह ताला ने वहूल लजी मद्दल हार हारा कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की इतनी बड़ी ज़मीन पैदा कर दी इतनी ताकतवर ज़मीन पैदा की और उस ज़मीन के ऊपर पहाड़ पैदा कर दिए उस ज़मीन के ऊपर पहाड़ पैदा कर दिए और उसमें नहरें जारी कर दी नहरों का जारी होना दरियाओं का जारी होना ये सारी चीज़ें अल्लाह की कुदरत की दलील और निशानी है इमाम तिरमीज़ी रहमत किताब ज़क़ात में एक रिवायत नकल की है और वो रिवायत ये नकल की कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो ज़मीन की हरकत जो थी वो गैर मुतवाजन थी वो डोल रही थी अल्लाह ने उस पर जगह जगह पहाड़ पैदा कर दिए वो पहाड़ों के वजन से और वो जो वेट होता है उससे ज़मीन की हरकत जो थी वो मुतवाजन हो फ़रिश्ते बड़े हैरान हुए और हैरान होकर पूछा कि या बारी ताला क्या इससे भी ज़्यादा ताक़तवर कोई मखलूक तेरी मखलूक़ात में है अल्लाह ने लोहा पैदा कर दिया वो लोहा पहाड़ों को चीरता फाड़ता है काटता है पहाड़ों को रेजा रेजा करता है फरिश्ते फिर हैरान हुए और हैरान होकर पूछा कि या बारी ताला क्या इससे भी ज़्यादा ताक़तवर कोई मखलूत तेरी मखलूक़ात में है अल्लाह ने आग पैदा कर दी अब आग में आप लोहा डालें चाहे वो फर्नेस की आग हो चाहे वो वैसी आग हो लोहा नरम हो जाता है आप उसे अपने मुताबिक ढाल लेते हैं जिस तरह भी ढाल ना हो फरिश्ते फिर हैरान हुए हैरान होकर पूछा कि या बारी ताला क्या इससे भी ज़्यादा ताकतवर कोई मखलूक तेरी मखलूक में है अल्लाह ने पानी पैदा कर दिया आप आग के ऊपर पानी डालें तो आग का आग की हकीकत और आग का वजूद ख़त्म हो जाता है फरिश्ते फिर हैरान हुए और हैरान होकर पूछा क्या बारी ताला इससे भी ज़्यादा ताकतवर तेरी मखलूक में कोई मखलूक़ है अल्लाह ने हवा पैदा कर दी हवा जो है वो इतनी ताकतवर है कि ये जो सैकड़ों बादल और हज़ारों बादल होते हैं टनों पानी लेकर चलते हैं इधर से उधर हवा उनको लेकर चलती है पानियों में मौजें और समंदरों में तूफ़ान पैदा कर देती है हवा फरिश्ते फिर हैरान हुए और हैरान होकर पूछा कि या बारी ताली क्या इससे भी ज़्यादा ताक़तवर कोई मखलूक तेरी मखलूक़ात में है तो अल्लाह ताला ने कहा हाँ है और वो क्या है फरमाया वो इब्ने आदम का एक अमल है और वो अमल क्या है कि दाएँ हाथ से किसी को सदका दे इस तरह दे कि बाएँ हाथ को ख़बर ना हो मालूम हुआ कि यह कायनात का सबसे ताकतवर अमल है इंसान का कि इंसान इस तरह छुपा कर दे के दाएं हाथ से दे रहा है तो बाएं हाथ को भी बना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया और कितना दिया और किसको दिया यहां अब यह बात देखिए कि इमाम तिरमिजी रहमत लाई की इस रिवायत से जो बात समझ में आ रही है वही बात यहां भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि मद्दल अरब जमीन को पहले फैलाया और वजह अलफी हारवासिया उसके बाद उस पर पहाड़ पैदा कर दिए और उन पहाड़ों से वो जमीन की जो हरकत थी वो मुतवाजन हो गई और वो जो गैर पना था वो उसमें वो दूर हो गया चुनाच हकता आला दिलाशाहान अपनी कुदरत के इन मनाजिर को बयान करते हुए कहता है कि देखो ये काफ़िर लोग जो हैं ये कहते हैं इतने मनाजिर हैं इतने मज़ाहिर हैं कुदरत के अल्लाह के खालिकियत के रोज़ाना सूरज दुलु होता है रोज़ाना सूरज गरूब होता है चांद निकलता है चांदरूब होता है सितारे निकलते हैं नज़र आते हैं रूब हो जाते हैं ये सारा निज़ाम चल रहा है नहरें और दरिया बह रहे हैं समंदर में कश्तियाँ चल रही हैं इन सारी कुदरत के मनाजिर को देखते हुए भी ये काफिर लोग क्या कहते हैं कि लऊलाउ आयत रबी कि अगर हमारे ऊपर कोई आयत नाजिल हो जाती तो फिर हम ही मान ले आते हमारे ऊपर बराह रास्त कोई आयत नाजिल होती आप इनसे कह दीजिए कि इन नमा तंरूल क़ौन हाद मेरा काम तुम्हें हिदायत देना नहीं है मेरा काम तुम्हें डराना है तुम्हें अल्लाह की हिदा अल्लाह की तरफ से जो हिदायत का पैगाम मेरे ऊपर नाजिल हुआ है उस पैगाम हिदायत को तुम तक पहुंचा देना है हाँ तुम कबूल कर लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है नहीं कबूल करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है मेरे ज़िम्मे तुम्हारी हिदायत नहीं है मेरे ज़िम्मे तुम तक पैगाम पहुँचा देना है हिदायत देना या हिदायत से महरूम रखना यह अल्लाह का काम है चुनाच इस ज़मीन में अल्लाह ताला एक बुनियादी असूल यहाँ आयत मुबारक नंबर ग्यारह इरशाद फरमा रहे हैं सूरतरा्रद की आयत मुबारक नंबर ग्यारह है और वह बुनियादी ूल क्या है बड़ा ज़बरदस्त बुनियादी ूल है और वह ूल यह है कि इन अल्लाह युरुमा बे हयरुमा बेफुस देखो अल्लाह ताला कभी किसी कौम की हालत तब्दील नहीं करता जब तक कौम को खुद अपनी हालत के बदलने का ख़याल और इरादा ना हो जब तक कौम ये तय ना करे जब तक फ़र्द ये तय ना करे यानी ये फ़र्द की हैसियत से भी है और कौम की हैसियत से भी है जब तक फ़र्द ये तय ना करे कि मेरे अंदर कोई गलती है और मुझे अपने अंदर से इस गलती को दूर करना चाहिए अपनी असलाह करनी चाहिए अपने हाल को तब्दील करना चाहिए इसी तरह जब तक कौम ये बात न समझे कि हमारे अंदर कोई कौमी गलती है कोई कसूर है कोई पॉलिसी की गलती है कोई मंसूबा बंदी की गलती है कोई अकीदे और नज़रिए की ग़लती है कोई अमल और अखलाक की खराबी है जब तक कौम उस ग़लती और ख़राबी को महसूस ना करे और उस ग़लती और ख़राबी को दूर करने की कोशिश ना करे अल्लाह ताला उस कौम की हालत को तब्दील नहीं करता यानी क्या मतलब है एक बड़ा ख़ूबसूरत उसूल दिया जा रहा है और वो उसूल ये दिया जा रहा है कि इंसान बहसीियत फ़र्द या बहसीियत कौम अगर बेहिसी का शिकार हो जाएगा हिदायत से महरूम हो जाएगा जितना वो बेहिस होता चला जाएगा जितना उसके जहन में उसके दिमाग में ये बेहिसी बैठती चली जाएगी कि उसे अपने अपने हालत पर अपने अखलाकी मामलात पर अपने माशरत पर अपने गुफतगु पर अपने रवैयों पर कोई नजर षानी का या कोई मायने का मताले का या उसके मुहासबे का कोई ख्याल ही नहीं होगा तो अल्लाह की तरफ से ज़बरदस्ती हिदायत नहीं डाली जाती अनज मकमू हवान तुम्ला कार हूँ कि तुम नाना करते रहो और हम तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती दीन को और हिदायत को मुसलत कर दें ऐसा नहीं होगा जब तक तुम्हारे अपने अंदर हिदायत की तलब और तड़प नहीं होगी जब तक तुम्हारे अपने अंदर ये एहसास बेदार नहीं होगा कि मैं गलत हूँ मुझे अपनी उस गलती की असलाह करनी चाहिए उस वक्त तक अल्लाह ताली कौमों की हालत को तब्दील नहीं करता लिहाजा ये बात जहन में रखिए कि हम अगर बहसीत फ़र्द या बहसीत कौम अपनी हालत बदलना चाहते हैं अगर हम ये समझते हैं कि हमारी हालत में कोई ख़राबी है सबसे पहले तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर खराबी है वो खराबी किस नौीयत की है वो नज़रियाती और फिक्री खराबी है अक़दे की खराबी है अमल की खराबी अमल की खराबी है तो इबादत में खराबी है या मामला माशरत में खराबी है मामला लेंदेन में खराबी है या माशरत और अखलाक और रवैयों के अंदर ख़राबी है जहाँ भी कहीं ख़राबी है हमें इन हवालों से अपना जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हमारा अक़ीदा हमारा नज़रिया हमारी सोच हमारी फ़िक्र क्या है हमारी इबादत कैसी है रसोल वसलम की सुनत के मुताबिक है कि नहीं है आपके तरीक़े के मुताबिक है कि नहीं है हमारे मामला हमारी माशरत कैसी है हमारे अखलाकियात कैसे हैं हमारे रवैये कैसे हैं हमारे रवैये बुज़ुर्गों और बड़ों के साथ कैसे हैं हमारे रवैये हमारे रवैये हमारे अपने साथियों के साथ रफ़ा के साथ कैसे हैं छोटों के साथ कैसे हैं ये तीनों सतहों पर हमें अपने रवैयों का अंदाज़ा होना चाहिए अगर ये अंदाज़ा होगा और ये बात हमारे रवैयों के अंदर तब्दीली की हमारे अंदर एहसास और वो ज़रूरत पैदा होगी तो भी तब्दीली पैदा करता है मगर नल्ला जबरदस्ती किसी के ऊपर तब्दीली को मुसलत नहीं करता ये बात जिक्र करते हुए हक ताला अब उस एहसास को पैदा करने के लिए एक नुस्खा बता रहे हैं और वह नुस्खा क्या बता रहे हैं कि देखो अला बिक्रकलूबी कि देखो ये बात याद रखना कि अल्लाह को याद रखने से इतमिन कल्ब हासिल होता है अल्लाह को याद रखना अला अल्लाह को याद रखने से मुराद क्या है अल्लाह को याद करना या अल्लाह को याद रखना एक तो ज़बान से होता है कि ज़बान से इंसान अल्लाह की तस्वीर हमदोसना बयान करता रहे सुबहानल्ला हमदल अकबर की तस्वीर कहता रहे कलम तयबा का विद करता रहे एक तो अल्लाह को याद करना या अल्लाह को याद रखना ये भी है एक अल्लाह को याद रखना और अल्लाह को याद करना ये भी है कि इंसान हर अमल के अंदर अल्लाह को याद रखे अल्लाह की तालीमात को उसके अहकाम को और अल्लाह के नबी की सुन्नत को पेश नज़र रखे वो अगर दुकान में बैठा हुआ है तो वो इस बात को सोचे कि मुझे दुकानदार की हैसियत से एक ताजर की हैसियत से अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने क्या अहकाम दिए हैं किस तरह के अहकाम दिए हैं उन अहकाम की पैरवी मैं किस तरह से करूँगा अगर वो ऑफ़िस में बैठा हुआ है ऑफ़िस में वो ऑफ़िसर है वो डायरेक्टर है वो एम्प्लॉर है तो वो उसे ये बात मालूम होनी चाहिए और इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरे लिए अल्लाह के अल्लाह के रसूल के क्या अहकाम हैं अगर वह सबॉर्डिनेट है नीचे के तबके में है तो उसे ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि यहाँ मेरी हैसियत क्या है और इस हैसियत से मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने मुझे क्या बतलाया है और इबादात के मामले में भी वो इसी बात को देखे और सोचे चुनाचे अला बजिक्ला से मुराद दोनों तरह के ज़िक्र है जबान से भी अल्लाह को याद रखना अल्लाह का ज़िक्र करना अल्लाह की तस्वीर और हमदोसना को बयान करते रहना और इसी तरह से अमल के अंदर भी अल्लाह का जिक्र करते रहना और एक तीसरा पहलू है अल्लाह के जिक्र का वो ये है कि अल्लाह ताला कोई इनाम देता है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ये बात याद रखना और इस बात को सामने रखना कि ये मेरी मुझे जो नेमत मिली है ये अल्लाह के फजल करम से मिली है मैं इसका मुस्क नहीं था मैं इसका रवादार नहीं था शायद मेरे अंदर ये सलाहियत नहीं थी कि मैं ये मकाम व मनसब हासिल करता ये इनाम हासिल करता अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से मुझे ये इनाम अता किया है जो भी नेमत मिले छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो अल्लाह का उस पर शुक्र अदा करें अल्लाह का शिक्र गुजार बंदा बन जाए और अगर अल्लाह की तरफ से कोई मसायब मुश्किलात आएँ तो उन मसायब और मुश्किलात पर सब्र का मुजाहरा करें चुनाचे अल्लाह अगर मसाए पर सब्र करता है अल्लाह उसे उसब्र से निजात ताफ़र मारता है अल्लाह पर वह तकवा पर तो्क्ल बरकरार रखता है मैं यद तक यजा अल्ल् मखरजा अल्लाह तकवा करता है परेशानियों से निकलने के रास्ते फ्राहम कर देता है अल्लाह तयर जुखन है तसब और ऐसे रास्तों से रिख देता है जो उसको वहम गुमान में भी नहीं होते लिहाज़ा ये बात तमाम चीज़ें ये अलाबिकाला में आती हैं कि अल्लाह का जिक्र का मतलब यही है कि इंसान ज़ुबान से भी अल्लाह का जिक्र करे अमल से भी अल्लाह का जिक्र करे मामलात माशरत से भी अल्लाह का जिक्र करे सब्र और शुक्र के ज़रिए से भी अल्लाह का जिक्र करे इन्हीं बातों को बयान करते हुए हक्त आजानूँ ये बात बतला रहे हैं सूरतरा्रद के आख़िर में कि वलकज़ अरसा रसूलिन कबिल कव्लुम अजवाजम्रिया व ममाकानसूलिनब आयतिन अल्ला बज़न ला लकल अजलिन किताब के देखो अल्लाह के जितने भी अम्बिया आलिम्सम आए उन अम्बिया आलिम ने शादियाँ भी की घरेलू ज़िंदगी भी गुज़ारी आयली ज़िंदगी भी गुज़ारी अल्लाह के अहकाम की पाबंदी अपनी घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी की माशरती ज़िंदगी में यानी यूँ समझ लीजिए कि एक दीन का जो दाई होता है एक दीन का जो आलम बरदार होता है वो दीन का आलम बरदार माशरे से कटा हुआ कोई फ़र्द नहीं होता यूँ नहीं होता कि उसका माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो मुआरे को इसकाबिल न समझे कि मैं इस माशरे के अंदर कोई रहूँ याशरे में कोई याशरे की डेवलपमेंट में कोई अपना किरदार अदा करूँ ऐसा नहीं है वो उसी माशरे में रहता है और उस माशरे में रहते हुए वो अपनी माशरती असलाह का के अंदर जो उसकी ज़िम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अदा करता है इन मजामी के ऊपर सूरत अराद के मजामी ख़त्म होते हैं सूर इब्राहिम के मजामी शुरू होते हैं सूर इब्राहिम के अंदर हक्ता हज़रत इब्राहीम के वाक़े को ज़्यादा वजाहत के साथ बयान किया और हज़रत मूसीम के वाक़े को ज़्यादा वजाहत से बयान किया और अपनी तोहदत को अपनी कुदरत व ख़ालक़ीत के दलाइल को ज़िक्र किया और वही बात इर्शाद फरमाई कि अल्लाह के अम्बिया आसलम की नबूत और रसालत का असल मकसद क्या होता है और अम्बिया आसलम के साथ क्या हालात पेश आते हैं आम तौर पर अम्बिया आलम के साथ यही हालात पेश आते हैं कि जब वो दावत दीन देते हैं तो लोग ये कहते हैं ल और जन्नकुमिनतफ़ी मिल्लना के या तो तुम इस बात से बात आ जाओ वरना हम तुम्हें अपनी मिल्लत से निकाल देंगे अपने गांव से भी निकाल देंगे तो शरा इब्राहिम के अंदर भी हक्ता शाह नहु ने मिसाल दी कल तय्यबा की के कल तय्यबा की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक दरख्त होता है खजूर का दरख्त है असलहत वफ़र हाफिसमा कि जिसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बड़ी मजबूती से जमी हुई होती हैं और उसकी शाखें आसमान की तरफ बुलंद होती हैं लेकिन इसके बिलमक़ाब कलम खबीसा होता है कलम कुफ्र होता है वो कलम कुफ्र ऐसा होता है कि जैसे कोई बग़ैर जड़ों का और बग़ैर किसी मजबूती के बग़ैर बुनियाद के कोई दरख्त खड़ा हो गया है ज़रा सी हवा चले माल करार, जिसको ज़मीन के ऊपर कोई करार सबात नहीं है चुनाच हज़रत इब्राहिम की दुआओं का ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम ने इस शहर के लिए यानी मक्का मुकर्रमा के लिए अमन की दरख्वास्त की और दुआ की रब्बाला हादजल बलद आमिनुबनी वनी असनाम शर्क से हिफाजत की दुआ की और ये दुआ की कि मैं नमाज़ क़ायम करूँ और फलों से यहाँ के रहने वालों को रिस्क अता फरमा शुक्र की तोफ़ी अता फ़रमा औलाद में बरकत अता फ़रमा चुनाच ला तज़रत इब्राहीम की ये दुआएँ कबूल फ़रमाईं मक् मकरमा उसी तरह दुआओं का मरकज़ बन गया अमन व अमान का मरकज़ बन गया लोगों के कयाम और लोगों की ज़िंदगी का मरकज़ बन गया और दुनिया ज़माने से रिस की बारिश वहाँ किस तरीके से और फलों की बारिश किस तरीके से होती है वो हम देखते हैं इन मजामीन को बयान करते हुए हक्तान हु। सूर्य इब्राहीम के मजामीन मुकम्मल फरमाते हैं सूर हिजर का आगाज़ होता है तो पहली ही आयत के बाद चौदहें पारे का आगाज़ हो जाता है लिहाजा सूर हिजर के मजामीन इन शौदें पारे के मजामीन के ज़मीन में बयान होंगे हक़ हफ़्ता शानु हमें समझने और अमल करने की हिम्मत और तोफ़ी नसीब फ़रमाए आमीन व आखिर दावानाबीमिन